निगम भिलाई प्रशासन कहता है कि क्षेत्र के सभी तालाब व सरोवरों की साफ सफाई बराबर की जा रही है और ग्रीष्म ऋतु में सभी सरोवरों में जल स्तर कम होने पर उनमें पानी भरा जा रहा है, परंतु हम लगातार ऐसे तालाबों को दिखा रहे हैं जो निगम प्रशासन की कही बातों को झूठा साबित कर रहे हैं। आज देखिए वार्ड 7 में स्थित अवंती 22 सरोवर की दुर्दशा। दोस्तों, लगातार हम नगरपालिक निगम भिलाई क्षेत्र के सरोवरों की तालाबों की यथास्थिति से हम आपको अवगत करा रहे हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं वार्ड क्रमांक 7 में स्थित रानी अवंती 22 सरोवर। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि जो ये सरोवर दिख रहा है इसमें भी पूरा पानी सूख चुका है और इसे भी निगम द्वारा भरा नहीं जा रहा है, क्योंकि इस तालाब को भरने की कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नगरपालिक निगम भिलाई के पास नहीं है। और नगरपालिक निगम भिलाई ये कह रहा है कि निगम क्षेत्र में जितने भी सरोवर हैं, जितने भी तालाब हैं, उसे वैकल्पिक व्यवस्था से या तांदुला के जलाशय से छोड़े गए जल से भरा जा रहा है, लेकिन इनके कथनी और करनी में कितना फ़र्क है ये साफ देखा जा सकता है। इस क्षेत्र में भी वार्ड क्रमांक 7 के इस क्षेत्र में जहाँ पर यह सरोवर मौजूद है, इस क्षेत्र में भी इस गर्मी में होने वाली दिक्कत तो दिख ही रही है, साथ ही इस क्षेत्र में भी भूजल स्तर गिर सकता है। नगरपालिक निगम भिलाई को चाहिए कि इस सरोवर को भी संज्ञान में ले, ध्यान में रखें और इसे भी पानी से भरे ताकि आसपास के क्षेत्र का भूजल स्तर ठीक ठाक हो सके। यह निस्तारी तालाब वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो यहाँ के आसपास के बच्चे हैं और पास में ही एक बस्ती भी है, वहाँ से भी कुछ लोग और कुछ जो लोग हैं यहाँ निस्तारी करने आते हैं, और अभी फ़िलहाल इस तालाब में निस्तारी बंद है क्योंकि पानी बहुत ही कम हो चुका है और जो बचा है वह काफ़ी गंदा भी है। और इस तालाब के इर्द गिर्द शाम ढलते ही असामाजिक तत्वों का डेरा हो जाता है। हर प्रकार का नशा यहाँ किया जाता है। तालाब में पड़े डिस्पोजल, पानी की बोतलें, यह साफ बताती हैं कि इस परिसर में शाम ढलते क्या होता है। निगम प्रशासन के सहित जिला पुलिस प्रशासन को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए, अपनी गश्त बढ़ानी चाहिए और निगम प्रशासन को भी उनके साथ मिलकर कोई कार्रवाई करनी चाहिए जिससे यह जो रानी अवंती 22 सरोवर है यह सुरक्षित हो सके। अगर बात करें सुरक्षा की तो जो इसका मुख्य द्वार है वो ही हमेशा खुला हुआ रहता है। निगम प्रशासन और पुलिस प्रशासन को ये चाहिए कि जल्द से जल्द संयुक्त रूप से टीम बनाकर इस पर ठोस कार्रवाई करें ताकि यह जो रानी अवंती 22 सरोवर है यह वापस अपने मूल स्वरूप में जल्द से जल्द आ सके। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए मैं हूँ संतोष शर्मा।